कांग्रेस के लिए सपा छोड़ देगी अमेठी और रायबरेली की सीटें। शुक्रवार को प्रियंका गांधी के दखल के बाद अखिलेश यादव के रुख में दिखी नरमी। अमेठी रायबरेली की सीटों पर घोषित अपने उम्मीदवारों को समझा बुझाकर पीछे हटाने में जुटी सपा। जानकारों के अनुसार जल्द सपा अमेठी और रायबरेली की संसदीय सीट कांग्रेस को सौंपने का करेगी ऐलान। दरअसल सपा और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन का ऐलान होने के बावजूद अमेठी और रायबरेली की 10 सीटों को लेकर गतिरोध बना था। कांग्रेस आलाकमान ने अमेठी और रायबरेली में अपनी सियासी पकड़ बनाए रखने के लिए समझौते में सभी 10 सीटों पर दावा किया था, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने इनमें से 7 सीटें जीती थी। सपा किसी भी सूरत में अपनी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस ने सीटों के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए शुक्रवार को एक बार फिर प्रियंका गांधी को आगे किया। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी ने अपने दोस्त धीरज श्रीवास्तव को अखिलेश से बातचीत करने के लिए भेजा था। सूत्रों का कहना है कि शनिवार को धीरज की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अमेठी रायबरेली की सीटों को लेकर गतिरोध खत्म हो गया है। चूंकि रविवार को राहुल गांधी भी अखिलेश के साथ चुनावी अभियान शुरू करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं, इसीलिए गठबंधन में किसी तरह की खटास न हो ये संदेश देने के लिए सपा नेतृत्व ने कांग्रेस की मांग मान ली है। हालांकि दोनों ही पार्टी का कोई भी नेता आधिकारिक तौर पर इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक वरिष्ठ नेता ने इतना जरूर कहा है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बातचीत चल रही है और जल्द ही स्थिति सामने आ जाएगी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो अमेठी और रायबरेली की सीटिंग सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना सपा के लिए कम मुश्किल पैदा करने वाला फैसला नहीं है। सपा ने अमेठी से गायत्री प्रजापति, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह व ऊंचाहार से मनोज पांडे को उम्मीदवार पहले से ही घोषित कर रखा है। ये सीटें कांग्रेस को दे दी जाती हैं, तो सपा में बगावत के सुर उभर सकते हैं। अमेठी से कांग्रेस के लिए टिकट पर अमिता सिंह भाजपा उम्मीदवार गरिमा सिंह के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी में है। वहीं गौरीगंज, शेरनी, सलोन, ऊंचाहार, हरचंदपुर व बछरावा से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर रखे हैं। अब बस सपा की ओर से औपचारिक रूप से सीटें छोड़ने का ऐलान किए जाने का कांग्रेस इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, KIA।